एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो बच्चे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बहुत सारे ओवरसाइज टी शर्ट। अब वो कितने सारे होंगे वो आप लोगों को काउंट करके कमेंट में बताना है। एंड यू नो व्हाट, ओवरसाइज टी शर्ट बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी एंड बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल है। तो वो पता है, मैं तो ओवरसाइज टी शर्ट से ऑब्सेस्ड हूँ। तो मैं इतने प्यारे प्यारे यूनिक यूनिक पीस लेकर आई हूँ और इतने अफोर्डेबल, मतलब अंडर 500 में मैंने सारे टी शर्ट लिए हैं। बाय द वे, सारे टी शर्ट मैंने अमेज़न से लिए हैं क्योंकि अमेज़न पे चल रहा है वार्डरोब रिफ्रेश सेल फ्रॉम 1 जून। शॉप नाउ एंड गेट 50-80% ऑफ ऑन टॉप ब्यूटी और फैशन ब्रांड, 1000+ टॉप ब्रांड, ग्रेट प्राइस, अनबीटेबल डील्स ऑन 400,000+ स्टाइल, एंड गेट फ्री डिलीवरी ऑन फर्स्ट ऑर्डर, 30 डेज इजी रिटर्न एंड पे ऑन डिलीवरी। और क्या चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेकआउट करो एंड अपने लिए भी मस्त कंफर्टेबल ओवरसाइज टी शर्ट खरीदो। सो यार, देर किस बात की है, जल्दी जल्दी शॉपिंग करो यार अपने लिए भी। अभी तो मैं टी शर्ट दिखाने वाली हूँ ना, उनमें साइन नो आपको सारे पसंद आएंगे क्योंकि मुझे भी सारे पसंद आए। ऐसा नहीं है, बट ठीक है, मैंने ना उल्टे करके रखे यार, क्या है। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद दिस इज मस्त वाला टी शर्ट। ये मैंने मेन सेक्शन से खरीदा है, किसी को बताना मत, आप भी ले सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, बेस के ऊपर ऐसे पर्पल प्रिंट, आई जस्ट लव द प्रिंट एंड ऑल, एवरीथिंग इज रियली नाइस, वेरी कंफर्टेबल, कॉटन है, एकदम समर के लिए परफेक्ट है। तो आई विल से जस्ट गो फॉर इट, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लासी लुक देता है। मेरे को ना आजकल ऐसे बेज लाइक वैसे कलर्स बहुत पसंद आ रहे हैं। ओके, तो सेकेंड जो बात करें, कुछ टी शर्ट मैंने खोल लिए हैं, कुछ टी शर्ट मैंने नहीं खोले हैं। तो दिस इज ब्लैक वन, इसकी जो प्रिंट है वो काफी गजब की है। मैं पहले बैक प्रिंट आप लोगों को दिखाती हूँ। Oh my God, इसको कहते हैं doodles print and I just love doodles print. मुझे तो एक चाहिए ही चाहिए था। As you can see the doodles, यार कितने मस्त लग रहे हैं। मैं आप लोगों को ऐसे क्लोजअप करके दिखा रही हूँ, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लैक के ऊपर इतना प्यारा प्रिंट, मैं क्या ही बोलूं, मेरा दिल आ गया था इस टी शर्ट पे। एंड बहुत ही ज्यादा यू नो स्टाइलिश लगेगा पहनने के बाद। आगे आपको लिखा है गो वियर्डो एंड जस्ट लव दिस टी शर्ट। इसकी भी साइज M है, सॉरी इसकी साइज XXL आई है मेरे को। ओ भाई, गलत साइज आ गई है, XXL तो मैंने ऑर्डर नहीं करा होगा यार। मैंने M में ऑर्डर करा है, बट पता नहीं इसकी साइज XXL आ गई है। एंड मैंने अभी आप लोगों के सामने खोला है, आप लोग तो देखे ही हो, तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मंगाना। बट ओवर साइज टी शर्ट है तो चल जाएगा, बट मैं इसे रिटर्न करूंगी, मुझे M में चाहिए। एंड मुझे ये टी शर्ट चाहिए क्योंकि मुझे इसका प्रिंट काफी अच्छा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट टी शर्ट जो आपने देखा ही है, मैंने बहुत पहले लिया था बट मैं इसे इंक्लूड करना चाह रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिया। बहुत ही प्यारा ब्राउन कलर है एंड आई लव यू यार ब्राउनी आर्मी। जब भी मैं ब्राउन, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ब्राउन कलर में कुछ यही लिया था टी शर्ट, मेरे पहले मैंने कभी ब्राउन कलर के ड्रेस ऑन ऑल नहीं पहने। इसका बैक प्रिंट देखो भाई साहब, बैक प्रिंट पे मैं फिदा हो जाती हूँ। तो आई जस्ट लव बैक प्रिंट एंड उसके बाद इसका आगे का भी प्रिंट छोटू सा सही है, मस्त एकदम इमोजी बना हुआ है एंड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। कलर भी ऑसम है, मतलब मेरे को ऐसा लगता था ब्राउन कलर नहीं जजेंगे बट पहनने के बाद बहुत कूल लगता है यार, आई जस्ट लव दिस वन। ओके, नेक्स्ट लेवेंडर कलर की टी शर्ट है। बाय द वे, इस कलर को मैं देखती हूँ तो मुझे BTS आर्मी का याद आता है, इस कलर के देखती हूँ तो मुझे ब्राउनी आर्मी का याद आता है। सारे लोग पर्पल कमेंट और यू नो पर्पल हार्ट एंड ब्राउन हार्ट कमेंट करो, मैं सबका कमेंट लाइक करने वाली हूँ अभी। तो दिस इज वेरी क्यूट वाला टी शर्ट क्योंकि इसका बैक प्रिंट बहुत क्यूट है। ला 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 ला, देख रहे हो क्या मस्त है बैक प्रिंट, बहुत ही कॉजी सा, तो मुझे बहुत पसंद आया। इसका साइज जो है वो भी M है एंड बहुत ही मस्त सॉफ्ट वाली मटेरियल है, परफेक्ट फॉर समर एंड कलर तो ऑसम है ही। आगे कुछ बोलना पड़ेगा क्या, राउंड नेक है, कलर कॉम्बिनेशन जो है इमोजी एंड ऑल का सब मस्त लग रहा है एंड यहाँ पर भी वो इमोजी पीछे वाली छोटू सा बनी हुई आगे, तो बिना सोचे समझे ले लो। ओके, तो दिस इज द टी शर्ट। ये मैंने लिया था इसलिए क्योंकि इसमें एज यू कैन सी ये कितना ज्यादा कलरफुल है। बाय द वे, साइज क्या है, मुझे बड़ा लग रही है। अच्छा, ये L साइज मैंने ऑर्डर दिया था क्योंकि ना मैं जिस ब्रांड में मेरे को डाउट होता है, मैंने कभी शॉपिंग नहीं करा होता है पहले, तो उसमें मैं एक साइज बड़ा दे देती हूँ। पर ठीक है, ये साइज बड़ा आ गई है, बट आई विल से कि बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा पहनने के बाद। ओ माई गॉड, लुक एट द कलर, मतलब भर भर के कलर है इसमें। एंड इसमें उसको क्या बोलते हैं यार,
डूडल्स तो इसको नहीं बोलते हैं, पर ऐसे ही समथिंग सब में बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मटेरियल काफी अच्छी है, ऑल ओवर प्रिंट है, आगे से पीछे राउंड नेक है। जस्ट लव द क्वालिटी, जस्ट लव द प्रिंट, जस्ट लव द कलर। जिसको कलरफुल पसंद है ना, जस्ट गो फॉर इट। मतलब बहुत ही क्यूट टी शर्ट है, आप इस पर प्लेन बेसिक कुछ भी बॉटम वेयर पहन लोगे मस्त लगेगा। अब देखो समर एप्रोप्रिएट मैंने लिया था, तो मेरे दिमाग में ऐसे समर समर चल रहे थे, समर मतलब गर्मी वाले ओके तो मैंने ना ये टी शर्ट ऑर्डर करा, मुझे ये दिख गया, तो ये पूरा एकदम समर वाले वाइब दे रहे थे। तो आई जस्ट लव द प्रिंट एंड व्हाट इज द साइज। इसमें मैंने साइज ऑर्डर करा है एल। अगेन इसमें लेमन प्रिंट हो रखे है यार, लेमन, यू नो, येलो, पिंक, ग्रीन, जस्ट लव द वाइब। मतलब ये दे रहा है एकदम समर वाला वाइब, तो जस्ट लव द मटेरियल भी सही है, प्रिंट भी सही है। नेक आपको राउंड मिल जाएंगे, दोनों तरफ प्रिंट की कोई कमी नहीं है, दोनों तरफ आपको प्रिंट मिल जाएगा। मस्त लग रही है यार, समर में मस्त लगेगी। इसके नीचे भी कुछ भी बेसिक पहन लो, क्या मस्त लगेगा, गजब लगेगा। ओके तो ये जो टी शर्ट है, ऐसे टी शर्ट मेरे पास थी पहले, लाइक ब्लू एंड यू नो डार्क ब्लू में। इसको कहते हैं कौन सा टी शर्ट कहते हैं इसको, हाँ मैं तो भूल गई, इसको कौन सा टी शर्ट कहते हैं यार, डोंट नो। इसकी मटेरियल समर वाली नहीं है, इसकी मटेरियल दूसरी है भाई, कॉटन नहीं है गाइस। बाय द वे लाइट के इफेक्ट से आपको नहीं दिख रहा है, दिस इज टाई डाई वाला, हाँ टाई डाई वाला टी शर्ट है। मेरे पास एक और था ब्लू में, तो मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ सो दैट आपको पता चले कि ये पीच कलर एंड व्हाइट कलर का मिक्स है, ये टाई डाई हो रखा है। इसकी मटेरियल उतनी अच्छी नहीं है, बट मतलब कॉटन नहीं है, मटेरियल काफी सॉफ्ट है एंड आपको यहाँ से कट मिल जाएगा। तो दिस इज नाइस, दिस इज रियली यूनिक, दिस इज काइंड ऑफ टॉप गाइस, लाइक मुझे अच्छा लग रहा है यार, पहनने के बाद काफी अच्छे लगेंगे। मैं सबका वीडियो यहाँ लगा देती हूँ। ओके नेक्स्ट टी शर्ट मैं इसी का बात कर लेती हूँ, दिस इज रियली नाइस। मैं ना आप लोगों को बैक से दिखा देती हूँ, बहुत ही मस्त वाला टी शर्ट है, टैग लगा हुआ है एंड एज यू कैन सी द प्रिंट, जस्ट लव द प्रिंट गाइस। मतलब प्रिंट इतने प्यारे है ना, ये जो प्रिंट यहाँ पे बना हुआ है ना, इसी का बड़ा वाला प्रिंट, मतलब बड़ा में ऐसे पीछे बना हुआ है। एंड ये टी शर्ट मुझे इतना पसंद है कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब मैं बस वीडियो बनाने के चक्कर में इसे रखी हुई थी। जिस दिन मैंने खोला था, बस मैंने सोचा टैग तोड़ूं और पहन लूं, बट मुझे लगा कि नहीं, पहले वीडियोस बना लूंगी सो दैट कपड़े नए नए दिखे। ओके तो या जस्ट लव द पीस, मतलब मटेरियल सही है, प्रिंट बहुत ही मस्त वाला है, एकदम यू नो एस्थेटिक प्रिंट कहते हैं ना, येलो, पर्पल, ऑरेंज, ब्लू, एज यू कैन सी वही प्रिंट हो रखे हैं पीछे। एंड जस्ट लव द प्रिंट, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ओके नेक्स्ट टी शर्ट मेरे पास है ये, एंड इसमें भी बहुत सारे कलर है एंड इसमें भी साइज मैंने एल ऑर्डर करा है, एंड मुझे फोटोज में अच्छे लग रहे थे टू बी ऑनेस्ट, रियल में उतने खास नहीं लग रहे हैं, बट ठीक है, कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे ये, बहुत ही हटके अलग सा, बहुत सारे कलर्स, सही लग रहा है। राउंड नेक है, मटेरियल ओके ओके है, स्लीव आपको मिल जाएगा, हाफ स्लीव, ऑल ओवर सही लग रहा है। आपको मैं सामने से दिखा दूँ, मटेरियल ऐसा नहीं है कि चीप है, मस्त है, मटेरियल भी मस्त है, साइज मैंने एल लिया है एंड बहुत सारे कलर है, एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है शायद मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है। सच बताऊँ तो मुझे कलर कॉम्बिनेशन उतना पसंद नहीं आ रहा है इसका, पर ठीक है, चलेगा। ओके नेक्स्ट टी शर्ट इज दिस वन, ओ माई गॉड, जस्ट लव द कलर। मैं सीधा दिखा रही हूँ ना, यहाँ पर आपको बैक प्रिंट वाले टी शर्ट अभी इतने चले हुए हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। सीधा बैक प्रिंट, गुड वाइब्स, मतलब क्या प्रिंट है यार, दिल चुरा लेते हैं ऐसे प्रिंट। डूडल्स वाले प्रिंट मैंने दिखाए, इसके प्रिंट से मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे ब्राउन टी शर्ट के जो पीछे प्रिंट है उससे मैं ऑब्सेस्ड हूँ। जस्ट लव द प्रिंट, जस्ट लव द कलर, मतलब एवरीथिंग इज रियली नाइस, कपड़े बहुत अच्छे, साइज में मैंने एम मंगाया होगा डेफिनेटली, यस मैंने एम मंगाया है, एंड लव द क्वालिटी यार, जस्ट लव दिस पीस। ओके तो काफी ज्यादा मैंने टी शर्ट दिखा दिए हैं एंड
होपफुली मैंने कोई टी शर्ट मिस नहीं करा होगा। आई नो हर वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि मैं सामान आता है ना तो कभी इधर रख देती हूँ, कभी उधर रख देती हूँ, कुछ खोल के देख लेती हूँ, एंड दैट्स व्हाई मुझे डर रहता है कि कहीं मैं मिस ना कर दूँ। होपफुली मैंने मिस नहीं करा होगा। बाय द वे मैं बताना भूल गई, 2-4 टी शर्ट मैंने और ऑर्डर करे, वो आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिख जाएंगे, सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत ही मस्त वाले टी शर्ट है। अगर मैं इसमें से आपको आपको अपनी फेवरेट वाली चूज करके बताऊं तो दिस इज लाइक मैन सेक्शन से लिया था, बट आई जस्ट लव द, मतलब ये बहुत ही मस्त वो बेसिक वाला वाइब देता है। आई जस्ट लव दिस वन, आई जस्ट लव दिस वन, आई जस्ट लव दिस वन। वियर्डो प्रिंट वाली जो ये डूडल प्रिंट थी, ये भी मुझे बहुत पसंद आई। लुक एट द प्रिंट, ये भी पसंद आई, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। ये तो मेरी फेवरेट है ही, क्योंकि ब्राउन मीन्स मेरी ब्राउनी आर्मी। ये टी शर्ट गंदा है, आटे लगे हुए हैं इसमें, क्यों दिखा रही हूँ इसे। ओके, तो सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। सारे के कपड़े बहुत ही मस्त हैं, प्रिंट भी बहुत मस्त है, एंड कितने पीस थे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।